छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या के संबंध में आज समूचे देश में यह आवाज उठ रही है कि हत्या की न्यायिक जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अरुणा तिलंते ने शामिल भाजपा के नेता और मंत्री के बेटे के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कराने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हम छिंदवाड़ा की आगाज करना चाहते हैं और राष्ट्रपति जी को हमने अवगत कराया अपने ज्ञापन के माध्यम से कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किसान अनशन पे बैठे और अपनी मांग अपने तीन काले कानूनों का विरोध में वहां पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और आकस्मिक आकर मंत्री के बेटे ने हमारे किसान अन्नदाताओं को जिस तरीके से कुचल दिया है, तो हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि एक अन्नदाता जिसके उगाए अनाज को आज लोग खाकर जीवित थे और विभिन्न प्राणी लड़ियाँ उन पर चल रही हैं, हम पूछना चाहते हैं कि क्या दोष था उन निर्देश किसानों का, बस इतना कि वो अपने हक अधिकार के लिए बैठे थे? क्या अब लोगों को हक अधिकार मांगना भी जायज नहीं है? क्या सरकार उनके साथ ये रवैया अपनाएगी? और अभी तक मैं कहना चाहती हूँ कि जब वहाँ पे अनशन चल रहा था, धरना हड़ताल चल रहे थे, तो क्या वहाँ पे प्रशासन मौजूद नहीं था? प्रशासन के सामने से मंत्री का बेटा कैसे भाग गया? क्या प्रशासन आंखें बंद करके था और उसे वहाँ गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? क्या छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शक्रवार की रिपोर्ट।